हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 सब्जेक्ट संस्कृत विषय संस्कृत का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। बच्चों, थोड़ा सा हम वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा का मूल्यांकन स्टार्ट हो चुका है, उसमें कुछ व्यस्तताएँ रही हैं, इसलिए हम कक्षा 11वीं का सॉल्यूशन थोड़ा लेट दे रहे हैं। बट बच्चों, यहाँ पर आपको पूरा 100% सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा सत्र 22-23 का फुल डिटेल और फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर, उचित विकल्प हम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न, राज्ञा द्वारे इत्यस्मिन पदस्य पूर्ण पदम अस्ति। तो बच्चों, जो शब्द दे रखा है ना, इसका पूर्ण पद अपने को बताना था, तो इसमें करेक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन, से नहीं राज द्वारे। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने, तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका रहेगा वो विद्यागम रहेगा, ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक थर्ड, बाल मृगेंद्रम इत्यस्मिन पदे समासो अस्ति, ठीक है। तो बाल मृगेंद्रम में प्यारे बच्चों आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, यद्यस्यः इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो यद्यस्यः का संधि विच्छेद यदि करके देखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा उस वाला ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक फाइव, आपके सामने डिस्प्ले पर, मम प्लस अम्बा इत्यस्य पूर्ण पदम अस्ति। तो इसको यदि हम दोनों शब्दों को यदि जोड़कर यदि बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो शब्द बन जाएगा आपका सवाल ऑप्शन, यानी कि ममाम्बा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नंबर सिक्स, यानी कि सूरश इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो सूरश का यदि संधि विच्छेद यदि करके देखेंगे बच्चों, तो आ वाला ऑप्शन आपका सही है, सूरहा प्लस चा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, भू धातु उदाहरणम अस्ति। तो भू धातु से जो भव में चलता है, भू मीन्स होना, जो भवती भवता भवंति में चलता है बच्चों, आपको अच्छी तरह से पता हो क्योंकि आप 11th के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो इसमें भवती आ जाएगा। फिर पठति इति पदे पुरुष अस्ति। तो पठति नहीं, कौन सा पुरुष, तो पठति पठता पठंती प्रथम पुरुष लट्लकार वर्तमान काल, यानी कि प्रथम पुरुष आ जाएगा, ठीक है। द धातु उदाहरणम अस्ति। तो द धातु से क्या बनता है बच्चों, तो ददाति बनता है, क्या बनता है, ददाति शब्द बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, नमति इति पदे धातु अस्ति। तो नमति में नम धातु है बच्चों, ठीक है, नम धातु आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सम्मान इति पदे उपसर्ग अस्ति। तो सम्मान में सम उपसर्ग है बच्चों, कौन सा उपसर्ग, 22 उपसर्ग यदि आपने कंप्लीट नहीं करे तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में उपसर्ग का क्वेश्चन बनता है। प्रायति उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। तो प्रा से जो उदाहरण जो बनता है वो प्राचार्य बनता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ये देख लेते हैं, यहाँ पर निसार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो निसार में बच्चों आपका जो उपसर्ग बन जाए, उपसर्ग जो बन जाएगा वो आपका निस शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड के आंसर सारे डिस्प्ले पर आपके सामने ही प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न, कच्छप का सही युग मेलनम कृत क्या होगा। तो कच्छप का सही आंसर हो जाएगा आपका शनि शनि हो जाएगा, शनि शनि चलती। दूसरा प्रश्न है आपका, अहम तो आम का आंसर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, नमामि, यानी कि भूयो भूया नमामि बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, यानी कि अत्र का आंसर बन जाएगा आपका अव्योम हो जाएगा। अत्र शब्द क्या है, अपने आप में एक अव्यव शब्द है। पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, तो पठित्वा में कृत्वा प्रत्यय आपका लग जाएगा, कृत्वा प्रत्यय, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा गा वाला नंबर डले हैं। आनीय किस में आता है, तो आनीय बच्चों जिसके अंत में यह आता है वो हो जाता है आपका ल्य प्रत्यय का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट नंबर फाइव, यानी गिगंतुम, यानी कि जहां पर तुम का साउंड निकले लास्ट में, वही आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, प्रश्न क्रमांक फोर के सारे आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, पंडित इत्यस्य विलोम मूर्ख अस्ति। तो पंडित का विलोम मूर्ख होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, तो आम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्षिप्रम इत्यस्य विलोम पदम कृत अस्ति। तो क्षिप्रम का जो विलोम बनेगा, सॉरी हाँ बिल्कुल विलोम बनेगा वो कृत नहीं बनता है, इसका मतलब इसमें ना आ जाएगा। तीसरे में, पुष्पम इति पदस्य पर्याय पदम कुसुम अस्ति। तो बिल्कुल आम हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कुशलताम इति पदस्य पर्याय पदम तत्र अस्ति। तो इसमें ना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर फाइव, मंत्र मंत्रितः भवन्ति। तो बिल्कुल आम आ जाएगा। भरतम लक्ष्मण अपृच्छत ना आ जाएगा। बालाय क्रीडनम रोचते,
तो इसमें आपका 7 में आम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जटिलम चीरवसम इत्यस्मिन पदे विशेषणम किम लिखता। तो इसमें अपने को बच्चों विशेषण बताना है पूरे दोनों वाक्यों में से, तो जटिलम शब्द आपका क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण हो जाएगा। परीक्षा में ये प्रश्न भी बहुत बार पूछते हैं कि विशेषण और विशेष बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 2 यानी कि मेघावी अमात्य इत्यस्मिन पदे विशेषण किम लिखत, तो मेघावी आपका विशेषण हो जाएगा। श्रुतवंतः शूरा इत्यस्मिन पदे विशेष पदम किम, तो यहाँ पर आपका जो श्रुतवंत आपका क्या विशेष हो जाएगा बच्चों? मंत्री तो मंत्र है इति पदे विशेष विशेष्य के में लिखा था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? मंत्री तो विशेष हो जाएगा। फिर गणेशम नमः, तो इसमें गणेशाय नमः आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गणेशाय नमः। नेक्स्ट नंबर 6, गंगा हिमालयन प्रभति इत्यस्यम शुद्ध वाक्य हम लिखा तो गंगा हिमालयात हो जाएगा, पंचमी भक्ति हो जाएगी। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे के कुछ ये बुक से प्रश्न है, ठीक है। तो आप आंसर मिला सकते हैं या कुत्र ना कर्तव्यम आंसर भी यदि चाहें तो सुन भी सकते हैं। एक एक प्रश्न में सोल्व करवा देता हूँ। यस्मिन देशे ना सम्मान नहा, यस्मिन देशे ना सम्मान नहा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बांधव कुत्र कुत्र तिष्ठति, तो इसमें बांधव ना चा विद्यालयम, कुत्र के स्थान पर बांधव ना चा विद्यालयम। बालह की दृशम सिंहा शिशु कर्षसी इसमहा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर यदि देखेंगे बच्चों तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 8 का आंसर बन जाएगा आपका बालह मातु अर्धपीतस अमृत क्लिष्ट कैसरम, या ठीक है, या फिर ऑब्लिक में यदि ऑब्लिक वाला यदि आपने करा है तो उसमें मृतिका मयूर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9, सेनापति की दृघ गुणयुक्त भवेतः, तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बन जाएगा आपका सेनापति दृष्ट सूर धृतिमान मतिमान सूची कुलीन अनुरक्त दक्ष चाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। तो 10 में जटिल चीर वसनम भूवि पतिता का अशितुका के स्थान पर भरत या रामायण ग्रंथात आ जाएगा, ठीक है। जो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को स्वपाठ्य पुस्तक कोई 2 श्लोक लिखना था, जो कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न का निर्माण करना अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से रचना अस्ति, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, तो भाई कस्य यानी किसकी रचना है, कस्य मतलब किसकी रचना है, ठीक है, तो कालिदास जी की रचना है। यदि आप जितने भी सारे संस्कृत के जो महान विद्वान जितने भी उन सभी का हमने बच्चों एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, सारे के सारे की सूची डाल रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको जितने भी सारे संस्कृत के मान राइटर हैं उनका सूची हमने ऑलरेडी चैनल पर बनाकर अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और बच्चों यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर बिल्कुल मिलेगा, चाहे 11th हो या 12th, 9 से 12 तक के संपूर्ण सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो चैनल पर आप बने रहे। प्रश्न क्रमांक 2 देख लें, विद सर्वदमन पाठ सप्तमांकात गृहीता, तो सप्तमांकात के स्थान पर अकस्मात आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाल्मीकि रामायण ग्रंथ रचिता, तो यहाँ पर का वाल्मीकि के स्थान पर का आ जाएगा, किसने क्या कहा, ये प्रश्न भी भाई बहुत बच्चों को दिक्कत रहता है। प्रश्न क्रमांक 3 है ना, तो प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न यानी कि का कथयति और कम प्रति कथयति, तो इस पहले में आ जाएगा दुष्यंत और दूसरे में कम प्रति कथयति में आ जाएगा आपका तापसी आ जाएगा। यदि इसका ओवर यदि आपने किया है तो दुष्यंत और बाल आ जाएगा, दुष्यंत और बाल। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, वेद कत्री भवंती तेषाम नामाने लिखता, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, सब जानते हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, यानी कि 4 हैं, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं, तो वेद के जो अंग होते हैं ना, वेदांगनी कति संति तेषाम नामाने लिखता, तो वेद है अलग चीज़ है, वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदों के जो अंग होते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद, ये क्या है बच्चों? ये वेद के 6 अंग हैं, ठीक है। और यदि मंडल की बात करते हैं कि ऋग्वेद कति मंडलानी संति लिखता, यानी कि उसके ओवर में जो पूछा गया, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं बच्चों, कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न, किम नाम
पद्य शरह अस्थि यानी कि पहला जो प्रश्न है उसका करेक्ट और आंसर आंसर बन जाएगा आपका क्या जाएगा, यानी कि पहला प्रश्न किम नाम पद्य शरह अस्थि, तो आपका आंसर बन जाएगा पम्माभियानः पम्माभिधानम पद्य शरह। देख लो यहाँ पर बच्चों ये आंसर आपका छिपा हुआ है। प्रश्न क्रमांक वन का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक वन का उत्तर। प्रश्न क्रमांक टू देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक टू जो है आपका सुख सावकस्य तादस्तु की दृशा एता भवन। तो देखो बच्चे यहाँ देखो ये छिपा हुआ, यहाँ से आपका तातस्तु से आंसर शुरू होगा, श्रुत स्नेहा दृदंत निहि शोकम, ये इतना आप कहाँ तक, ये एता भव तक ले लो, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक टू का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, सावकस्य पिता तम किम अदातः, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। देख लो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक थर्ड का आंसर देख लेते हैं, तंडुलान फल सक, यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर बन जाएगा, ये इतना ले लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक थर्ड का आंसर है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका ओवर भी चलो देख लेते हैं। ओवर एतेषां प्रज्ञाः की दृश्यम अस्ति, तो प्रज्ञा शकुनी ज्ञान है ना, ये पहले में आ जाएगा, प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम पहले में आ जाएगा। दूसरे आंसर यानी देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न यानी कि शबरा कानने किम कुर्वन्ति, तो शबरा दूसरे प्रश्न का आंसर यदि देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अपना आंसर बन जाएगा, ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है, कुर्वन्ति, यहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यदि देखते हैं बच्चों, तो तीसरा प्रश्न है आपका सबर सेनापति कथम कुत्र आशियतः, तो ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर, यहाँ से लगाकर तो आप यहाँ तक भी ले सकते थे। प्रश्न क्रमांक थर्ड का आंसर हो गया ये, जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिम च बांधवः न च विद्याकाम कश्चित वासम तत्र न कार्यतः, भाई जिस देश में आपका दर सम्मान हो इस देश में आपको नहीं रहना चाहिए। बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 जान लेते हैं, यहाँ पर 17 आंसर, पहला प्रश्न आपके सामने, यस्मिन देशे काना श्यातः न सम्मानो न वृत्ति न बांधवः, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका इतना, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ये। दूसरा प्रश्न कुत्र वासम न कार्यतः, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न कुत्र वासम न कार्यतः, तो ये दूसरा प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि ये वाला ले लीजिए, ये दूसरी वाली लाइन ले लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा पुनः। अच्छा वैसे सिर्फ उसमें इतना ही आना चाहिए, लेकिन दूसरा लाइन ले लीजिए, यदि आपका कश्चित इत्यस्य पद संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता तो कस प्लस चीद क्या बन जाएगा, कस हलंत कस में कस प्लस चीद, ये दूसरे इसका आंसर हो गया। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने इसका ओवर यदि किया है, षडदोषा पुरुषेण ही हंतव्यः भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा अभयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रतः, यह पुरुषेण कहा हंतव्यः, यानी कि पहला जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका षडदोषा, यानी कि पहले का उत्तर हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा नंबर वन का आंसर। दूसरा पुरुषेण के षडदोषा हंतव्यः, यानी कि निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम है ना आलस्यम दीर्घ सूत्रात, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। भयम इत्यस्य विलोम लिखता है, तो भयम का विलोम क्या होता है भैया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भय का विलोम क्या होता है, ताकि आपने वीडियो को पूरा देखा भी है कि नहीं देखा हमें कमेंट से पता लग जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला प्रश्न केन सर्वदमन इति कृतनामधेयम, तो ऋषि जनेन आ जाएगा बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, ऋषि जनेन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लो आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, यानी कि ऐसा खलु के श्रेणी किम करिष्यति, तो देख लो यहाँ पर ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये प्रश्न क्रमांक टू का आंसर। प्रश्न क्रमांक थ्री, अहो बलिये खलु बालहा सम्मीतम किम कथयति, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देख लो इतना ले लीजिए, प्रश्न क्रमांक थर्ड का आंसर है ये, ठीक है। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 के आंसर आपके सामने। पहला प्रश्न यानी कि पहले प्रश्न में आपका आ जाएगा औबुद्धयसे पहले प्रश्न यानी कि ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। औबुद्धयसे नंबर 1 हो गया, देख लो यहाँ पर ये सारा ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर 1 हो गया, मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। उसके बाद में कुसुमस्त बकश्य ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो नंबर विनाश्य नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में आपका क्या आ जाएगा, षड आ जाएगा, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में क्या आ जाएगा, नंबर 5 में आपका जो आज औबुद्धयसो आ जाएगा। और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न क्रमांक 20 अधोलिखित आप पठित गद्यांश पठित हुआ प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखा था। पहला प्रश्न यानी कि पहला प्रश्न का आंसर यदि देखेंगे तो कहा विद्यार्थी उच्यते, तो पहला जो प्रश्न है उसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यह विद्यार्जनम कर्तुम इच्छति विद्यार्जने चा संलग्न भवति सा विद्यार्थी उच्यते, यानी कि इतना आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर है ये प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर यदि देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में विद्यार्थी हर्ष निशम किम करोति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी कि विद्या अध्ययनम, ये इतना आपका नंबर 2 उत्तर हो गया। नंबर 3 यदि देखेंगे तो विद्यार्थी के पंच लक्षणम भवन्ति, तो भाई विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं जो हमेशा हमें याद रखना होता है, तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण बहुत ही फेमस और चर्चित है, वो कौन कौन से हैं बच्चों, तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण जो है वो अल्पहारी होना चाहिए, देखो यहाँ ग्रह त्यागी होना चाहिए, काक चेष्टा वाला होना चाहिए, बक ध्यानम होना चाहिए और अल्प निंद्रा यानी कम सोने वाला होना चाहिए, कम खाने वाला, घर का त्याग करने वाला है ना, और बगुले के समान ध्यान करने वाला, और काक चेष्टा यानी कि कोयल की समान चेष्टा करने वाला और कम सोने वाला, इस प्रकार हमेशा विद्यार्थियों के होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर यदि देखेंगे कि शक्नोति पदे का धातु, तो शक्नोति में बच्चों अपने को धातु बताना है, तो शक्नोति में आपकी कौन सी धातु है, तो उसमें आपको शक्नोति में शक धातु आपकी हो जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 20 का ओवर के आंसर की बात करते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 20 का ओवर है यानी कि सत्संगति विना जीवनम किम बहुति, तो पहला जो प्रश्न है कॉपी कर तुम ना इच्छति, तो पहला प्रश्न है उसका आंसर बन जाएगा आपका पहले मानवस्य जीवनम एव दुर्जनम बहुति यानी कि दुर्विजनम, यानी कि ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, यानी कि दुर्जी वनम। दूसरा प्रश्न है कहा श्रेयसी इति लिखा था, तो सत्संगति आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा सत्संगति, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न यानी कि जना किम इच्छन्ति, तो जना किम इच्छति में आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा स्वापोष में वह, डबल से लिख देता हूँ मैं, ये आपका स्वापोष में वह इच्छन्ति, ये आपका तीसरे प्रश्न है। संति इति पदे वचनम किम लिखा था, तो बहुवचन है बच्चों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21, तो 21 के आंसर यदि देखेंगे तो पहले मैं आपका स्थूल स्थूलम आ जाएगा, दूसरे में मम आ रहा है नंबर डला है, तीसरे में आपका जगति, चौथे में यद अहम आ जाएगा। यदि आपने इसका ओवर यदि कर दिया है तो उसमें भी बच्चों आपका नंबर डला हुआ है, ठीक है। पहले में आपका साहसे आ जाएगा, दूसरे में आकर्ण्य, तीसरे में पितु, चौथे में तस्मिन आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें आवेदन लिखना था अपने प्राचार्य को, स्वप्राचार्य शुल्क मुक्ति अर्थम आवेदन पत्र निःशुल्क मुक्ति के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट उसके ओवर में अवकाश लिखना था और किसी एक टॉपिक के ऊपर बच्चों यहाँ पर निबंध लिखना था। यदि आप कालिदास के निबंध विस्तृत यदि चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, और संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, आप सर्च करें और जितने भी सारे 9 से लगाकर तो 12वीं तक के 100% सारे के सारे रियल सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी सारे एग्जाम्स होती है बच्चों उनका फुल डिटेल और फुल सॉल्यूशन ए टू जेड सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम आप तक पहुँचा सकें। हमारा प्रयास ही आपके सफलता है, यदि आप सफल हो जाते हैं तो ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।